आज हम एकलव्य के प्रकाशित किताब अकल बड़ी या भैंस में से एक कहानी सुनेंगे, जिसका नाम है चिड़िया और राजा। एक चिड़िया को कहीं से एक मोती मिला। चिड़िया ने उसे अपनी नाक में पहन लिया। फिर वो राजा के महल पर जा बैठी और गाने लगी। मैं राजा से बड़ी, मेरी नाक में मोती। मैं राजा से बड़ी, मेरी नाक में मोती। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने आदमियों से कहा, चिड़िया का मोती छीन लाओ। उन लोगों ने छट जाकर चिड़िया से मोती छीन लिया। अब चिड़िया पहले वाला गाना छोड़कर दूसरा गाना गाने लगी। राजा भिखारी मेरा मोती छीन लिया, राजा भिखारी मेरा मोती छीन लिया। ये गीत सुनकर राजा बड़ा शर्माया। उसने चिड़िया को उसका मोती लौटा दिया। मोती मिलने पर चिड़िया ने एक और नया गीत शुरू किया। राजा तो डर गया मेरा मोती दे दिया, राजा तो डर गया मेरा मोती दे दिया। ये गीत सुनकर राजा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, पकड़ लाओ इस बदमाश चिड़िया को। उसके आदमी चिड़िया को पकड़ने के लिए दौड़े, मगर चिड़िया फुर्र से उड़ गई और राजा हाथ मलता रह गया।